लेखक संघ बिलासपुर ने किताबों की खरीदारी में राज्य सरकार के भेदभावपूर्ण रवैये पर गहरा रोष प्रकट किया है। संघ का कहना है कि सिर्फ एक जिला को छोड़कर बाकी जिलों के लेखक और साहित्यकारों द्वारा लिखित पुस्तकों की खरीदारी नहीं की जा रही है। इसके चलते बिलासपुर जिला के लेखकों द्वारा लिखित पुस्तकें कार्यालय व खरीदारी की राह ताक रही है। इस मामले को लेकर जल्द ही लेखक संघ राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। लेखक संघ बिलासपुर ने किताबों की खरीदारी में राज्य सरकार के भेदभावपूर्ण रवैये पर गहरा रोष प्रकट किया है। संघ का कहना है कि सिर्फ एक जिला को छोड़कर बाकी जिलों के लेखक व साहित्यकारों द्वारा लिखित पुस्तकों की खरीदारी नहीं की जा रही। इसके चलते बिलासपुर जिला के लेखकों द्वारा लिखित पुस्तकें कार्यालय में खरीदारों की राह ताक रही है। हालांकि निजी स्तर पर लेखक अपनी थोड़ी बहुत पुस्तकों का विक्रय कर रहे हैं, लेकिन सरकारी स्तर पर अनदेखी होने से उनका मनोबल भी लगातार गिर रहा है। इस मामले को लेकर जल्द ही लेखक संघ राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेगा। लेखक संघ बिलासपुर के अध्यक्ष रोशन लाल शर्मा ने अस्पताल के समीप ब्यास सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सभागार में लेखकों द्वारा लिखित पुस्तकों की हजारों प्रतियां उपलब्ध हैं। हालांकि कई बार प्रशासनिक व सरकारी स्तर पर पुस्तकों की बिक्री को लेकर कई ठोस व्यवस्था बनाए जाने के लिए राज्य सरकार से मांग की जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। उन्होंने इस बात पर रोष व्यक्त किया कि सिर्फ एक ही जिला के लेखकों की पुस्तकें ही खरीदी जाती हैं। ऐसे में क्या बाकी जिलों में साहित्यकार नहीं है? उन्होंने खरीद कमेटी की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बेसिकली बिलासपुर लेखक संघ की गतिविधियों पर आधारित थी। क्या गतिविधियां हमने आज तक की, क्या 13 अक्टूबर को जो हमारा 24वें एनुअल कॉन्फ्रेंस है उसमें करने जा रहे हैं, और क्या भविष्य की योजनाएं हैं। हमने अब तक तकरीबन 12-14 किताबें दी हैं, और मेरे मेंबर्स ने, जो बिलासपुर लेखक संघ के सदस्य हैं, उन्होंने अपने तौर पर बहुत सी किताबें दी हैं। लेकिन हमें इस बात का गिला है कि सरकार इन किताबों की खरीद नहीं करती। सरकार चाहे एक पार्टी की हो, दूसरी पार्टी की हो, हमें किसी पार्टी से कोई गिला नहीं है, लेकिन शिमला स्थित लोगों की ही किताबें खरीद की जाती हैं, ऐसा पता नहीं क्यों करते हैं। अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री मंडी से हैं, तो मंडी भी इग्नोर है, और जितना एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन बिलासपुर लेखक संघ है, उतनी हिमाचल प्रदेश में और कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। फिर भी हमें इग्नोर किया जाता रहा है। मैडम डीएलओ बार बार भेजती हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। हमने पीछे का कार्यक्रम किया और 37,000 का बिल डीएलओ ने भेजा ऊपर, जिसमें से 14,000 रुपये की 15,000 रुपया हमें उसमें से आए। तो मेरा मतलब ये है, हम लें भी क्यों पैसे जब हमारी कीमत ही नहीं पूरी होती। तो ये सारी चीज़ें आप तक पहुंचाने के लिए और लोगों तक पहुंचाने के लिए ये मीटिंग जो थी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसका आयोजन किया गया था। मुझे आज बताया जा रहा था कि 6-7-8 तारीख को माननीय जयप्रकाश नड्डा जी बिलासपुर होंगे, और उनके साथ सरकार भी होगी। हमें चाहेंगे कि हमारा डेपुटेशन मिले, हम एक रिप्रेजेंटेशन बनाएं और सरकार को दें, और हम आप मांग करें कि आप खरीद में, जो थोक खरीद है, थोक खरीद में बिलासपुर के लेखकों की किताबों को भी खरीदने का प्रोग्राम बनाया जाए। ऐसा हम इसमें डिमांड कर रहे हैं।